मैं हूं अनूप जलोटा और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम। सुनते रहो, गुनगुनाते रहो। सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 एफएम विशेष मुलाकात। इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुड आफ्टरनून, आप सभी को बहुत ही अच्छा लग रहा है। आज के इस शो में हम लोग कुछ खास व्यक्ति से बात करने वाले हैं और हमारे साथ आज के इस एपिसोड को सजाने के लिए विशेष बबली बहन है, जो ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़कर अपनी विशेष सेवाएं देते हैं और काफ़ी समय से इस ब्रह्मकुमारीज के टीचिंग्स को फॉलो कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों को शांति, प्रेम, आनंद का रास्ता बताया उन्होंने। तो आज हमारे साथ हैं और आप सभी से रूबरू होंगे रेडियो के माध्यम से। तो आप सभी की तरफ से, रेडियो टीम की ओर से बबली बहन का बहुत बहुत दिल से स्वागत है। थैंक यू, शुक्रिया। मेरा नाम है बीके बबली और मैं ज्ञान में पिछले 22 साल से हूँ और इस इंटरेस्टिंग पाथ रहा शुरू से ही। हमें तो कोई नॉलेज नहीं थी इसकी, ब्रह्मा कुमारी इसका नाम भी नहीं सुना था। लेकिन शादी होने के बाद हमारे ससुर कहा करते थे कि ये तुम्हारी सास जो है ना, शादी के बाद तुम्हारे हाथ का भोजन नहीं करेगी। तो हमें उसका भी कुछ मतलब नहीं समझ में आया कि ये क्या कहते हैं। बात आई गई हो गई और हम शादी के बाद हम 5-6 साल अपने सास ससुर के साथ रहे और हमारी सास एवरी मंडे एंड थर्सडे ब्रह्मा कुमारीज के सेंटर्स में जाते थे, वाइट कपड़े पहन के जाते थे और हमारे घर के ऊपर ही एक बाबा की संदेश निभान भी रहती थी। अच्छा। जो भोग लगाती थी, मैसेज लेके आती थी और हमें उसकी अट्रैक्शन होती थी। वो थर्सडे को आती थी, मैं उसके इंतज़ार करती थी, वो मुझे फूल देती थी बाबा का। अच्छा। बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं था। पता ही नहीं था कि ये क्यों जाती है, कहाँ जाती है, फूल कहाँ से आता है। कोई भी क्वेश्चन हुआ ही नहीं कि पता तो किया जाए इतना। हाँ। तो ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा। तो 1995 में हम लोग टीवी वॉच कर रहे थे मेरे हस्बैंड। तो उन्होंने अचानक मेरे उस दिन पूछा, इट वाज अ सैटरडे को मैंने अचानक पूछा, आपकी माताजी इंडिया में कहाँ जाती थी। इंडिया में तो कभी पूछा नहीं, लेकिन वहाँ अचानक ऐसे निकला मुख से। अच्छा अच्छा अच्छा। और उसी दिन हमारे यहाँ पर ब्रह्मा कुमारीज का एंट्रेंस समझो हुआ था, उनकी एंट्री हुई थी उसी वीकेंड पे सैटरडे। अच्छा, अच्छा, हाँ, हाँ। तो हमारा जो टीवी शो था उसमें आया था, हिंदी शो आता था ओनली ऑन सैटरडे। अभी तो हर रोज आता है लेकिन उस समय सिर्फ सैटरडे होता था। तो उन्होंने एडवर्टाइज किया कि ब्रह्मा कुमारीज इस क्षेत्र में आई हैं, डीसी में, सिल्वर स्प्रिंग में, तो आप किसी को भी इंटरेस्ट हो तो है ना। तो उन्होंने नंबर नोट किया, तो कहा कि आप जो पूछ रहे थे चलना देखने। मैंने कहा चलो चलते हैं। तो हम गए, दरवाज़ा खोला, बहन जी थी सामने, जना बहन थी, उन्होंने दरवाज़ा खोला और पीछे बाबा का एक बहुत बड़ा चित्र लगा हुआ था। अच्छा अच्छा अच्छा। बहुत सुंदर चित्र था, उनकी दृष्टि ने बस पुल कर लिया। ओके। सो आफ्टर दैट, आफ्टर ही पुल्स मी, आई केम होम, आई वाज कीप थिंकिंग अबाउट दिस पिक्चर, हु इज दिस पिक्चर एंड व्हाई हिज आईज अट्रैक्ट्स मी सो मच। सो वो चलता रहा। तो फिर हमने, उन्होंने पूछा कोर्स करना, मैंने कहा ठीक है। और उस समय तो हम नए नए गए थे, इंग्लिश तो पढ़ा हुआ होता है लेकिन क्या था कि हम बोलते नहीं थे। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ हाँ हाँ। तो फिर वो उसने इंग्लिश में कोर्स करना शुरू कराया तो हमको कुछ समझ में नहीं आया। दूसरा तीसरा लेसन हुआ, क्योंकि भक्ति में बहुत ज़्यादा थे हम, पीछे से सिख बैकग्राउंड से हैं तो कीर्तन वगैरह में बहुत इंटरेस्ट था। तो हमें कुछ समझ में नहीं आया। उसने कहा, मैंने, उसने मुझसे क्वेश्चन पूछा तीसरे चौथे दिन बाद। मैंने कहा मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये क्या कह रहे हो, ये गाड़ी है, ये कौन गाड़ी है, ये आत्मा है, ये क्या, कुछ समझ में नहीं आया। तो उसने कहा अच्छा ठीक है। सो शी अरेंज्ड हिंदी सिस्टर फॉर मी। सो हिंदी बहन ने कोर्स कराया। थोड़ा कुछ पल्ले पड़ा लेकिन फिर भी समझ में नहीं आया, ये झाड़ कहाँ से आया, भक्ति में तो कभी झाड़ नहीं सुना था, ये गोला कहाँ से आया, ये चीज़ें ना, थोड़ा टाइम लगा अंडरस्टैंड करने में। उसने मुझे दो बार कोर्स कराया। फिर जैसे ही मुरली शुरू हुई, फिर भी थोड़ी इधर उधर जाना होता था, थोड़ा गुरुद्वारा, थोड़ा यहाँ। फिर एक दिन उसने झटके से मुझे ना मेरी बाजू पकड़ के बिठा लिया, आज तुम कहीं नहीं जाओगे, आज पूरी मुरली सुनोगे। सो आई सिट देयर एंड सिंस आई एम सिटिंग देयर यू नो, तो फिर हमारी मदर इन लॉ का आना हुआ 5-6 साल बाद, जब हम सेटल हो गए यहाँ पे।
तो उन्होंने देखा कि ये तो ब्रह्मा कुमारी इसमें पहुंचाने लगी है, तो उन्होंने अपने राज खोलने शुरू किए। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो उन्होंने कहा हम तो बाबा तो हमारे साथ रहते थे, हमारे ससुर बाबा को ड्राइव करके लेके जाते थे, और वो मधुबन में पिक्चर भी लगी हुई है, बाबा इनको लेके गया इनकी सारी फैमिली को ससुराल वालों की, और मेरे हस्बैंड 5 साल के थे जब मम्मा के साथ पिक्चर खींची हुई है। अच्छा। फिर पोल खोलने लगे सबके। अच्छा, अच्छा, अच्छा। जब उन्होंने मेरे को देखा ये तो बहुत जा रही है, फिर कहा हम तो इनसे ज्यादा जानते हैं, फिर सारा कुछ निकलने लगा। फिर उन्होंने बताया, फिर आशा दीदी से मुलाकात हुई, उन्होंने भी बताया, आशा बहन जो पांडव भवन में थे ना दिल्ली में, तो उन्होंने बताया कि ये तो बहुत आया करते थे, लेकिन फिर धीरे धीरे उनका भी यू नो पार्ट है हर एक का। और अब जब उन्होंने मेरे को देखा कि ये पक्की हो गई है, तो फिर उनकी जो बेटियां चलती थी ज्ञान में और रास्ता चेंज हो गया था, फिर वो सब धीरे धीरे निकलने लगे, वापस आने लगे, अब सभी चलने लगे हैं। सो विच इज गुड, बाबा का कहा हुआ ही है जिन्होंने ज्ञान सुना है वो वापस आएंगे। तो वो सब फिर वापस आ गए और हम डीसी में रहते हैं और बहुत अच्छी सेवाएं चल रही हैं। हम कोर्स भी कराते हैं, लेकिन हमारा सारा कॉन्फ्रेंस कॉल पे होता है, हम 3:30 बजे शुरू करते हैं। अच्छा। अमृत वेला फोन पर ही होता है जी, तो क्योंकि वैसे तो इंग्लिश में ही चलता था सब, लेकिन हिंदी वालों का फिर सस्टेनेंस नहीं होता था, तो एक बार सिर्फ संडे को सुनने से तो नहीं ना बात बनती। तो हमारा पिछले 8 साल से ऐसे चल रहा है। तो हम सुबह 3:30 बजे अमृत वेला करते हैं, और फिर उसके बाद 4:45 बजे हम मुरली शुरू करते हैं, और सभी इकट्ठे होते हैं, और ये तो सिर्फ जैसे कहते हैं कि मुख से ही एक दूसरे को बता दिया कि यहाँ पे क्लास करते हैं यहाँ पे, तो सब लोगों को ईजी हो गया। और अभी तो देखो अभी तो चल ही यही रहा है, सेंटर पर भी जाना बंद हो गया है ना। तो ये ड्रामा में बहुत अच्छे नूंद थी, और बहुत सारी ऐसी माताएं थी जिनको कोई राइड नहीं मिलती, कोई लेके नहीं जा सकता, और वो फ़ोन पे आने लगे। सही बात है। और 20-25 लोग कहाँ ना कहाँ से आ जाते हैं, और सुबह में हम मुरली पढ़ते हैं 6 बजे 6:15 बजे तक पूरा करते हैं, फिर दोपहर में 12:15 बजे से लेकर 12:45 तक योग करते हैं, फिर जो माताएं फ्री हो जाती हैं वो आ जाती हैं। तो उनको कईयों को तो योग करना भी नहीं आता था, पर वो धीरे धीरे फिर ऐसे सीखने लगे, और फिर शाम को 6 से 7:30 बजे सातों दिन हमारा ये प्रोग्राम चलता है, कंटिन्यू चलता है। एंड एवरीबॉडी इज इंजॉइंग इट एंड ग्रोइंग। स्पिरिचुअली ग्रोथ जो होती है ना, जी, जी, जी। वो ऐसे नहीं होती है जैसे सेंटर पे हफ्ते में एक बार जाओ, रेगुलर जाने से रेगुलर जाना पड़ता है। और आजकल तो देख ही रहे हो देश विदेश की हालत कैसी हो रही है। जी, जी, जी। अच्छा, एक और बात पूछना चाहूँगा, जैसे कि कई बार हमारे जीवन में इन चीज़ों को पकड़ने में, जैसे मेडिटेशन है, योग करते हैं हम लोग, तो कुछ एक ऐसा अनुभूति हमको हो जाता है जिससे हम लोग को ऐसा लगता है कि यस हाँ मैं आत्मा हूँ और परमात्मा मेरा पिता है, ये कॉन्फिडेंस आ जाता है, एक विश्वास बैठ जाता है एक झटके में। तो वो ऐसा कुछ एक्सपीरियंस आपका है या? बाबा ने तो भगवान यही है बहुत एक्सपीरियंस दिया, गॉड इज लाइट गॉड इज माइट। और ये पहले तो परमात्मा को समझने में थोड़ा टाइम लगता है, पहले तो मैंने अपना जो प्रैक्टिस किया जी, जी, जी। आत्मा कितनी सूक्ष्म है इसका, हाँ, हाँ। और जितनी उसकी महीनता में जाएंगे उतना भगवान का चित्र और भगवान का क्लैरिटी एकदम स्पष्ट समझ में आता जाता है। सबसे पहले तो अपने को ही महीनता में लेके जाना है, उसी को देखना है, मैं आत्मा हूँ आत्मा हूँ, इसका अभ्यास बहुत किया। अच्छा अच्छा। लिख लिख के भी किया, किताबों में लिख लिख अच्छा, के अच्छा। मैं आत्मा हूँ शांत स्वरूप आत्मा बहुत लिखा, बहुत प्रैक्टिस किया, क्योंकि ये हमने दादी जानकी की क्लासेस हमने बहुत सुनी, दादी जानकी, दादी प्रकाशमणि और दादी गुलजार, इन तीनों की क्लासेस हमने बहुत सुनी, और इतना दादियों ने जैसे प्रैक्टिस लिख लिख के किया। तो दादी कहा करती थी कि दादी जानकी ने कहा, एक बार उसने क्लास में सुनाया कि 108 बार उसने लिखा, और उसने कहा 1.5 घंटा लगता है, उसने टाइम नोट किया, और उन्होंने बताया कि 1.5 घंटा लगता है, और सच में लगा 1.5 घंटा। 108 बार लिखा मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, तो बहुत अच्छा लगा। जितना हम लिखते हैं उतना हमारा कर्म जैसे पक्का हो जाता है। वैसे भी छोटे बच्चे होते हैं भारत में, हम लोग टेबल्स याद करते थे, पहाड़े कहते हैं, तो कितना लिख लिख के याद करते थे जी। तो ये लिखने से बहुत अच्छा प्रैक्टिस पक्का हो गया जैसे।
जी बहुत अच्छा लगा। चलिए बबली बहन, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया। मुझे वही पूछना था कि कैसे आप इस चीज़ को पक्का कर लिया अपने लाइफ में कि मैं आत्मा हूँ और परमात्मा के साथ मैं हूँ, तो इसका आपने लिख लिख के प्रैक्टिस किया तब जाके ये चीज़ें आपके जीवन में उतर गई हैं और अब तो नेचुरल हो गया होगा पूरी तरह से। बहुत अच्छा। उठते बैठते जो है आपको ये चीज़ें याद रहती होगी और बहुत ही अच्छा जो फीलिंग है वो आप करते हैं। तो जाते जाते मैं कहूँगा कि एकाध गीत जो है हमारे जीवन में, जैसे मेडिटेशन या साधना करते हैं तो पर्टिकुलर कोई एक गीत हमें आकर्षित करता है या उस गीत पे हमें थोड़ा सा अच्छा योग लगता है, ऐसा भी कहते हैं, तो कौन सा एक गीत है जो आपको बहुत ही टची लगता है? यू नो, हमने गीत बहुत सुने बाबा के गीत। जी जी जी, इतने सुने, अभी भी मैं आ रही थी, ये भाई ने अब गीत की बात कही तो मुझे अभी याद आया अपना अनुभव। अभी जब हम प्लेन में आ रहे थे, मन में बस गीत कंटिन्यूसली बज रहे थे, एक के बाद एक। पूरे गीत तो नहीं याद रहते, लेकिन दो दो लाइनें, और कहाँ ना कहाँ जैसे मधुबन के में एंटर ही हुए तो वो गीत याद आ गया, मधुबन की भूमि पर भगवान आया। मना जैसे जैसे स्टेप करते जाते हैं, हमें तो गीतों का बहुत अनुभव है। जी जी जी, एक आध गीत तो एक लाइन जरा सुनाइए। गीत हमको नहीं आता। नहीं, जो आपको अच्छा लगता है वो गीत के बारे में तो बताइए, जो खास गीत हो। खास गीत बाबा के जितने भी गीत हैं हमें बहुत पसंद है। जी जी जी। अभी जैसे वो गीत चल रहा था, ऐसे मेरे को गीत याद नहीं आता, लेकिन जैसे ही मैं बैठे हम प्लेन में तो एकदम से गीत याद आने लगा, ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। तो एकदम, मतलब क्योंकि इतना लोगों ने डराया था कि मत जाओ, हमें इतना स्ट्रांग एक्सपीरियंस हो रहा है, बहन जी आप मत जाओ, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। मैंने कहा देखो, दो मुरलियाँ चली थी लास्ट मंथ में, अव्यक्त वाणियाँ, भले वाणी अव्यक्त है, भले बाबा नहीं आ रहा, लेकिन हमें तो यही अनुभव होता है कि बाबा हमेशा आता ही है। और बाबा सम्मुख बात करता है, बाबा ने यही कहा था दो मुरलियों में कि सम्मुख मिलने का मजा ही कुछ और है। तो हमने टिकट बुक कर ली कि हमारे, और यहाँ पर कोरोना शुरू हो गया। अब लोग डरने लगे कि मत जाओ मत जाओ, सब कहने लगे। मैंने कहा भगवान ने कहा है सम्मुख आना है तो आना ही है, तो हम आ गए, तो ये गीत बजता रहा, ईश्वर अपने साथ है तो डरने की क्या बात है। चलिए बबली बहन, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया, और जाते जाते मैं कहूँगा कि आपके बहुत सारे लोग सुन रहे हैं आपको रेडियो के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, उन सभी के लिए एक संदेश के तौर पे आप क्या बताना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे, ईश्वर हमारे साथ है, डरने की कोई बात नहीं है, हमारा भाग्य हमारी सफलता अपने आप कदम छूती है। भगवान को साथ रखो, बाबा के साथ रहो, और अपना यही पुरुषार्थ है, और ये इजी हो जाता है। गॉड इज लाइट, गॉड इज माइट सब कहते तो हैं, लेकिन हमने अनुभव किया है कि गॉड इज लाइट, और खुद भी हल्के हो जाते हैं, और उस रोशनी का, उस शक्ति का भी अनुभव होता है। तो आप भी उसको अपने जीवन में लाते चलें, बाबा सदा साथ है और साथ रहेगा, डरने की कोई बात नहीं है। बहुत बढ़िया। चलिए बबली बहन, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया, और ईश्वर अपने साथ है तो डरने की क्या बात है, ये हमेशा आपको याद रहता है, और इसी संकल्प के साथ, इसी शक्ति को आप अपने साथ फील करते हुए आप हर चीज़ को, हर मुश्किल को आसान कर लेते हैं, और हर चीज़ को आप सहजता से करते हैं। तो हमारी ओर से आपको बहुत सारी शुभकामनाएँ, मंगल कामनाएँ, और बहुत ही अच्छा इसी तरह विश्व कल्याण की इस सेवा में तत्पर रहें, और सबका कल्याण होता रहे आपके द्वारा। धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक यू। चलिए मित्रों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ नई बातें लेकर, तब तक आप बने रहिए रेडियो मधुबन के साथ। सलाम नमस्ते, खमा गलीसा, सुनते रहो मुस्कुराते रहो। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है, ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है, सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है, ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है, सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके
हाथ है, ईश्वर अपने साथ है।